हंग असेंबली, एक टर्मिनोलॉजी है चुनाव की, हंग असेंबली। क्या होती है हंग असेंबली? हंग क्या होता है? ये हैंग की थर्ड फॉर्म है, हैंग की थर्ड फॉर्म है, हैंग हंग हंग। और असेंबली क्या होती है? सभा होती है, ये चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो हंग असेंबली का क्या मतलब होता है? हंग असेंबली का मतलब ये होता है कि जब किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती, व्हेन नन ऑफ द पार्टीज गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जब किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है और उस पार्टी को दो तीन और पार्टियों से समर्थन लेना पड़ता है, जब कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है, तो उस तरह की असेंबली को हंग असेंबली कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिशंकु विधानसभा। त्रिशंकु का नाम आपने सुना होगा। त्रिशंकु कौन थे? त्रिशंकु थे एक ऋषि थे, एक राजा थे, सॉरी ऋषि नहीं थे, त्रिशंकु एक राजा थे, और विश्वामित्र एक राजा थे जो तपस्वी हो गए थे, राजर्षि हो गए थे। इतना उनका तपो का उनका तपोबल इतना ज़्यादा था कि वो राजा त्रिशंकु को कहे कि मैं आपको जिंदा इस शरीर सहित मैं आपको स्वर्ग भेज दूंगा। तो नीचे से विश्वामित्र अपनी पूरी तप का जोर लगाए और त्रिशंकु को ऊपर उठा दिया। अच्छा, वो जा रहे थे, स्वर्ग जा रहे थे, ऊपर से देवताओं को लगा, इंद्र भगवान को लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ होने वाला है, कोई आदमी शरीर सहित सशरीर स्वर्ग कैसे आ सकता है भाई। उनकी सत्ता को चुनौती पड़ रही थी। उधर से इंद्र भगवान ने उनको नीचे दबाया, इधर विश्वामित्र की भी बात प्रतिष्ठा की थी, वो भी उनके प्रेस्टीज की बात आई, इन्होंने अपने बल से उनको ऊपर उठाया, उधर से भगवान इंद्र ने उनको नीचे की ओर दबाया और भगवान वो महाराज त्रिशंकु बीच में ही न जाने कहाँ अटके रह गए। तो इन्हीं त्रिशंकु से एक वर्ड बना है, जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उसी से एक वर्ड बना है त्रिशंकु विधानसभा। जब मतलब कोई चीज़ तीन टांगों पे लटकी हो, ये तीन टांगे हो गई किसी स्टूल की, एक टांग टूटेगी तो गिर जाएगी। जब ऐसी विधानसभा होती है, जब ऐसी सरकार बनती है जो दो तीन पार्टियों से समर्थन लेके बनती है, जब किसी पार्टी को कंप्लीट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो उस असेंबली को कहते हैं हंग असेंबली, जिसको हिंदी में कहेंगे त्रिशंकु विधानसभा।